मुख्यमंत्री हरियाली योजना के अंतर्गत सभी कुओं एवं तालाबों को जीर्णोद्धार करने की प्रावधान है, लेकिन अफसोस की बात है कि औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड के महुआ पंचायत के महुआ गांव के वार्ड नंबर 10 में पोखरा का जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण वहां के जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे काफ़ी दिक्कत की समस्या है और इतना उथल पोखरा हो गया है कि इसमें बहुत जल सूख जाता है। ये बताइए कि इस पोखर का पानी सूखने के बाद कितने लोग का परेशानी का सामना करना पड़ता है? समझिए कि हजारों लोग का परेशानी के सामना करना पड़ता है। तो पूरे गांव का मतलब पानी सूख जाता है? हाँ, पूरे पानी आई और सूख जाने के कारण जो है कि लेयर चापाकल के भाग जाता है और बड़ी तरह से समस्या आता है। जिस समय से मछली पालन होता है तो मछली बहुत जल्दी सूखने के कारण हटाने पड़ता है। दिक्कत है कि पोखरा कम खतल है, गबरा होना चाहिए उतना पोखरा, उसमें पानी रहेगा ना तो ठीक रहेगा। तो इसमें क्या पानी सूख जाता है? हाँ, तो क्या दिक्कत होता है? दिक्कत यही होता है कि मान मौसी के चापा कल के भाग जाता है। पोखरा लंबा चौड़ा, मान लीजिए कि गड्ढा नहीं रहने के कारण आप लोग का जो चापा कल का लेयर है पानी भाग जाता है, बहुत ज़्यादा भाग जाता है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम सोच रहे हैं कि इसका उड़ाही हो जाए ताकि पानी इसमें रहे और हम लोग की समस्या दूर हो जाए। तो इसके लिए मतलब मुखिया ये सब के पास में बताए थे कि गड्ढा होना चाहिए। हम लोग समस्या हम सुनाए थे कि चलिए भाई ये पोखरा जगह जो है कि खता जाए तो अच्छा रहेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी के मोबाइल नंबर 94 81 85 95 पर कॉल करा आप हमारी मदद। मैं सुरेंद्र शर्मा, सामुदायिक संवाददाता, औरंगाबाद बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।